और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के पति, जिनको अब मिल गई है एक बड़ी राहत। 16 फरवरी तक अंतरिम जमानत उनको दे दी गई है पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से। बड़ा फैसला, पटियाला हाउस कोर्ट में चल रही थी सुनवाई, रॉबर्ट वाड्रा को एक बड़ी राहत, 16 फरवरी तक के लिए वाड्रा को अंतरिम जो है जमानत दे दी गई है। अब से कुछ ही देर पहले या फिर यूं कहें कि सुनवाई लगातार चल ही रही है, मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है जिसमें रॉबर्ट वाड्रा को अंतरिम जमानत मिल गई है 16 फरवरी तक। सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह जुड़ गए हैं हमारे साथ। राकेश, ये बड़ी राहत मानी जाएगी, रॉबर्ट वाड्रा को 16 फरवरी तक मिली है ये राहत? देखिए, रॉबर्ट वाड्रा को पटियाला कोर्ट ने बड़ी राहत दी है और 16 फरवरी तक उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है और ईडी के सामने 6 फरवरी को वे जांच में शामिल होने का भी कहा गया है। तो जिस तरह से ईडी के वकील ने सीधे तौर पर विरोध किया और कहा कि मनोज अरोड़ा के कई लिंक्स जो हैं रॉबर्ट वाड्रा से सामने आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में कई मनोज अरोड़ा से पूछताछ में कई चीजें सामने आई है और इसलिए जरूरी है कि रॉबर्ट वाड्रा जांच में सहयोग करें और उनसे पूछताछ हो। अब जो है सबसे बड़ी खबर यह है कि पटियाला कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को बड़ी राहत दी है, 16 फरवरी तक अंतरिम जमानत गांट की है। राकेश जी, अभी सुनवाई चल रही है या फिर सुनवाई अगर पूरी हो चुकी है तो कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ, एक बार विस्तार से समझेंगे आपसे। देखिए, जिस तरह से आप जानती हैं कि मनोज अरोड़ा जो कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनको पहले ही जो है 6 फरवरी तक अंतरिम जमानत पर हैं और रॉबर्ट वाड्रा के करीबी माने जाते हैं, जिस तरह से ईडी ने उनसे पूछताछ में कई अहम चीजों का खुलासा किया था और उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि मनोज अरोड़ा के लिंक्स जो हैं वो सीधे तौर पर रॉबर्ट वाड्रा से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन इसी को लेकर रॉबर्ट वाड्रा जो है पटियाला कोर्ट की ओर रुख किया था और उन्होंने अंतरिम जमानत की अर्जी दी थी और आखिरकार कोर्ट ने उन्हें 16 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी। बिल्कुल, बड़ी राहत बताई जाएगी रॉबर्ट वाड्रा को। राकेश जी, वाड्रा के वकील ने क्या कुछ कहा और ईडी की तरफ से क्या कुछ कहा गया ये भी समझना चाहेंगे। देखिए, ईडी की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरह से अभी हमने जवाब दाखिल नहीं किया, हमें बहुत सारी प्रॉपर्टी का पता चला है, 6 फ्लैट का पता चला है और वाड्रा जांच में शामिल हो तो सच सामने आएगा। ईडी के वकील ने कई बातें कही और जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा की ओर से केटीएस तुलसी ने कहा कि वाड्रा लंदन में अपनी मां के इलाज के लिए हैं और मंगलवार के बाद कभी भी शामिल हो सकते हैं, तो 6 फरवरी को ईडी के सामने पेश होंगे रॉबर्ट वाड्रा और उन्हें साफ तौर पर जांच में सहयोग करने को कहा गया है। बिल्कुल, इस पूरे मामले पर हमेशा गिरफ्तारी की जो तलवार लटकती रही है रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर। मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा जुड़ गए और जानकारी के साथ इस खबर पर। आशीष, ये बड़ी राहत बताई जाएगी अब गिरफ्तारी से भी बचे हैं और फिलहाल अब 16 तारीख के लिए बड़ी राहत रॉबर्ट वाड्रा को। रॉबर्ट वाड्रा के लिए राहत, लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि रॉबर्ट वाड्रा को ईडी के सामने आएगी तो उन्हें शामिल होना पड़ेगा। मामले की सुनवाई के दौरान आज ईडी की तरफ से ये कहा गया कि उन्हें कई सारी प्रॉपर्टी के बारे में पता चला। मैं ये आप बताइए, क्या पूछते हैं, क्या कोर्ट में क्या कहा गया? आज कोर्ट में ये कहा गया कि 3 साल से वो तंग कर रहे हैं, 2016 से चल रही है यह बात, आज तक इनके पास एक भी सबूत नहीं है कि एक पैसा भी बाहर गया मेरे द्वारा या एक पैसा वापस आया। ये सारा पॉलिटिकल वेंडेटा है। मैं मेरे क्लाइंट की मदर बीमार हैं, वो हैं बहुत सीरियस लंदन में, उनकी देखभाल के लिए मैं वहां गया था, मगर जब ये पता चला कि हमारी मेरे ऑफिस को में भी रेड हुई है तो फिर मैंने सोचा कि मेरे को खुद जाना चाहिए। मैंने समन्स वगैरह की कोई इंतजार नहीं की, खुद अदालत को अपना वॉलंटियर किया है कि मैं आने को तैयार हूं।
जज साहब ने तारीख दी है 6 तारीख शाम को 4 बजे मेरे पेश होने के लिए, और वो रॉबर्ट वाड्रा साहब यहाँ पे आएंगे। वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, जो भी पूछताछ करनी है उसके लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने कोई गलती नहीं की, कोई दुनिया में कहीं भी उनकी कोई फॉरेन एसेट नहीं है। ये सारा सिलसिला, इलेक्शन क्योंकि आ गई है सर पे, तो उसके लिए